उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हिमाचल के कोरोना योद्धाओं के लिए कोविड 19 वैक्सीन की 93,000 डोज शिमला पहुंचाई गई। उसके बाद स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण संस्थान परिमहल लाया गया और इसी के तहत कोरोना वैक्सीन स्वास्थ्य विभाग की वैन से वैक्सीन को जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया गया। आपको बता दें कि यह वैक्सीन 16 जनवरी को प्रदेश के 46 केंद्रों में टीकाकरण के पहले दिन 3500 स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों और आशा वर्करों को पहली डोज लगाई जाएगी। मंडी सीएमओ की दी जानकारी के अनुसार वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। उनका कहना है कि सभी स्वास्थ्य संस्थानों में वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उन्हें आगामी समय में वैक्सीन लगेगी। इसके बाद समाज के अन्य वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगना तय किया गया है। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी युद्ध को अंतिम पड़ाव पर ले जाने के लिए 16 जनवरी से वैक्सीनेशन अभियान बड़े पैमाने पर शुरू करने की तैयारी है। सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा पुणे से कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप हिमाचल के कोरोना योद्धाओं के लिए कोविड 19 वैक्सीन की 93,000 डोज शिमला पहुंचाई गई। उसके बाद स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण संस्थान परिमहल लाया गया और इसी के तहत कोरोना वैक्सीन स्वास्थ्य विभाग की वैन से वैक्सीन को जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया गया। प्रदेश में आई 93,000 डोज में से 40,000 का टीकाकरण किया जाएगा। पहली डोज 16 जनवरी को लगने के बाद दूसरी डोज 28 दिन के बाद लगाई जाएगी। इसके लिए पूरा डाटा जुटाया जा रहा है कि किन केंद्रों को कितनी डोज वितरित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू करेंगे। उस दौरान आईजीएमसी और टांडा अस्पताल में जिन कर्मचारियों को सबसे पहले टीका लगाया जाएगा प्रधानमंत्री उनसे बात भी करेंगे। आइए इस संबंध में पूरी बात करते हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा सीएमओ मंडी से। दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वीमैक इन्फोटेक। सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, घर को चारों ओर से सुरक्षित बनाएं। इस वैश्विक महामारी कोरोना में हिमाचल सरकार द्वारा अपने नागरिकों को अभी तक विभिन्न प्रकार की प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और क्यूरेटिव सर्विसेज दी गई। प्रिवेंटिव सर्विसेज में आज हमारे यहाँ पर एक और अध्याय जुड़ चुका है कोरोना वैक्सीन के यहाँ पहुँचने पर। भारत सरकार के प्रयासों द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का आविष्कार किया है, जिसकी पहली खेप आज सुबह पहले चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची, वहां से शिमला परिमहल में जो हमारे प्रदेश का स्टेट वैक्सीन स्टोर है वहां पर पहुंची और उसके बाद शाम को 7:30 बजे वहां से जो मंडी में रीजनल वैक्सीन स्टोर है वहां पर पहुंच गई। यहाँ पर जो वैक्सीन पहुंची है ये 4 जिलों को भेजी गई है, जिसमें कि जनजातीय जिला लाहौल स्पीति, कुल्लू, बिलासपुर और साथ में हमारा मंडी जिला है। लाहौल स्पीति, कुल्लू और बिलासपुर से जो रेफ्रिजरेटेड वैन्स हैं वो यहाँ पर समय रहते 11 बजे पहुंच चुकी थी और अब जैसे ही ये हमारे पास यहाँ पर वैक्सीन पहुंची है इसको सबसे पहले हमने यहाँ पर रिसीव करके मैं स्वयं और हमारे जिला स्वास्थ्य अधिकारी और जिला इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं यहाँ पर उपस्थित हैं और जो हमारे दूसरा सपोर्ट स्टाफ है वो भी यहाँ पर उपस्थित है। और अभी हमने जो लाहौल स्पीति, कुल्लू और बिलासपुर का जो सप्लाई थी वो इनको हैंडओवर कर दी है और जो निर्धारित टाइमलाइन 1 बजे की है उस निर्धारित टाइमलाइन पर हमने इन गाड़ियों को रवाना कर दिया है। बाकी जो मंडी जिला की हमारी सप्लाई है, जो विभिन्न जो हमारे सेंटर हैं जहाँ पर टीकाकरण किया जाएगा, परसों 16 तारीख को इसका लॉन्च है, नेशनल लॉन्च है और मंडी में भी हमारे 4 केंद्र जो हैं चयनित किए गए हैं नेशनल लॉन्च के अवसर पर, जिसमें करसोग, सुंदरनगर, मेडिकल कॉलेज नेर चौक और मंडी है। उसकी जो आपूर्ति है वैक्सीन की वो हम सुबह वहाँ को सप्लाई करेंगे, वो भी रेफ्रिजरेटेड वैन के माध्यम से करेंगे। इस वैक्सीन के आने से सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों में
खुशी का माहौल है और जो हम सुबह से देख रहे हैं कि मंडी की जो स्थानीय जनता है उनमें भी बहुत उत्साह है और इस वैक्सीन के पहुंचने पर हमारा अपना भी जो मनोबल है और आत्मविश्वास है वो बढ़ा है और हमें अब उम्मीद है कि हम जल्दी ही इस खतरनाक कोरोना महामारी को जड़ से उखाड़ने के लिए। जो वैक्सीन है ये 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में रखी जाती है। इसके लिए हमारे पास पहले से ही रेफ्रिजरेटेड वैन है जो लाहौल स्पीति में भी है, कुल्लू में भी है, मंडी में भी है, बिलासपुर में है। तो जो दूसरे वैक्सीन पहले हमारे पास उपलब्ध है वो भी इसी वैन के जरिए स्टेट वैक्सीन स्टोर शिमला से रीजनल वैक्सीन स्टोर मंडी में आते रहे हैं और उसी वैन के माध्यम से आज ये वैक्सीन यहाँ पहुंची है और जो विभिन्न जिलों की जो रेफ्रिजरेटेड वैन है उसी में आज ये वैक्सीन आगे भेज दी गई। इस वैक्सीन के बारे में मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वैक्सीन है ये बहुत उच्च कोटि की जो हमारी प्रयोगशाला है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वहां पर अच्छी तरह से टेस्टेड वैक्सीन है और ये बहुत ही सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन है। तो किसी के मन में किसी भी तरह की भ्रांति नहीं रहनी चाहिए। परसों यहाँ पर लॉन्च जो वैक्सीन का हो रहा है उसमें सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी ही वैक्सीनेट किए जा रहे हैं जिसमें कि अलग अलग जगह पर अलग अलग कैटेगरी के स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। करसोग में आशा वर्कर पहली कर्मचारी होगी जिसको वैक्सीन लगेगी, सुंदरनगर में लेबोरेटरी टेक्नीशियन है उनको वैक्सीन लगेगी, नेर चौक में एम्बुलेंस ड्राइवर को वैक्सीन लगेगी, जोनल हॉस्पिटल मंडी में स्टाफ नर्स को वैक्सीन लगेगी। इसी तरह से पूरे हिमाचल में वो पहले से ही बता दिया गया है कि पहला वैक्सीन किस कैटेगरी के किस कर्मचारी को लगेगा। तो आम जनता को कोई भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। अभी पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन लग रही है, दूसरे चरण में राजस्व विभाग के कर्मचारी और अधिकारी, पुलिस विभाग के कर्मचारी अधिकारी और जो बचे हुए सफाई कर्मचारी होंगे चाहे वो दूसरे विभागों के हैं या म्यूनिसिपलिटीज के हैं दूसरे चरण में उनका टीकाकरण होगा। तीसरे चरण में जो 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं और जो 50 वर्ष से कम आयु के लोग कोमॉर्बिड हैं विभिन्न बीमारियों से ग्रसित और जो वरिष्ठ नागरिक विभिन्न बीमारियों से ग्रसित है तीसरे चरण में उनका टीकाकरण होगा और चौथे चरण में जो हमारी शेष जनता जो शेष नागरिक बच जाएंगे 18 वर्ष से ऊपर के। दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाई युवान ट्रेडिंग कंपनी डिडवी डिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें।